बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, ये वीडियो साथ साथ चल रही है, आप लोग देखें ज़रा। मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या सीन हुआ था। हमारी जी कपास की चुनाई हो रही थी। मैं चूँकि एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और ज़मींदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो कपास की चुनाई हो रही थी, तो मैं वहाँ पर ज़रा नज़र शज़र मारने गया, तो देखा मैंने ठीक हो रही थी, तो मैंने सोचा यार जाकर बैठ के ना ज़रा वीडियो बना ली जाए। तो मेरे सब्सक्राइबर के बकौल शेख मोहम्मद अमीन के बारे में वीडियो बना ली जाए। तो मैं वहाँ पे गया, मजाक कर रहा हूँ खैर में, तो मैं वैसे ही बैठने गया। मैंने कहा चलें थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो मैं ज़रा चारपाई पे गया तो ये भूखा कुत्ता मुझे नज़र आया, तो इसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी बेचारे की, ये उठ भी नहीं पा रहा था। तो बड़ा मतलब वो लागड़ था, कहने का मतलब ये है कि बड़ा वो हड्डियाँ इसकी फुल निकली हुई थी। तो मैंने इसे घर से गया, घर में घर से रोटी लेकर आया, मैंने इसे डाली। अब बात यहाँ पर ख़त्म हो गई ये वाली। अब जो मैं बात करना चाहता हूँ उसकी तरफ आएँ, वो ये है मेरे भाई, आपको कहीं भी कोई इंसान, कोई परिंदा, कोई जानवर भूखा नज़र आए, तो मेरे भाई उसके लिए जो कुछ भी आपकी जेब में मौजूद है ना, जो कुछ आप कर सकते हैं वो लाजमी करें, चाहे वो एक रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे आप 1,00,000 कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप ज़रूर किया करें। मेरा तो ये कहना है कि अगर आपके सामने कोई आकर हाथ फैलाता है ना, तो उसे खाली हाथ ना मुड़ें, कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दें। तो अल्लाह ताला ने उसे आपके पास भेजा है और आपका ये इम्तिहान है कि आप उसे देते हैं या नहीं, अगर आपके पास मौजूद है तो। ये पैसा जो है ना, ये हमने साथ नहीं लेकर जाना, हम जितना भी कमा लिया ना, अगर हम यहाँ पर बिलियनर भी बन गए तो हमने यहीं पर छोड़ कर चले जाना है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसे जोड़ने के बजाय अच्छा है कि इंसान दूसरों पर खर्च करे, के बजाय अपनी जेब में भर भर के रखने से अच्छा है कि इंसान दूसरों पर खर्च करे। इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इससे सबसे पहला जो फ़ायदा है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला जो इसके ज़रिए देता है ना, इंसान को जो अता करता है वो बहुत ज़्यादा अता करता है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं भी किसी ज़माने में सोचता था यार, मैं जब सदका वगैरह दिया करते ना, तो मौलवियों से सुनते थे ना बचपन में कि ये जो 10 रुपये दे तो उसे 7 गुना मिलता है, उसे 70 गुना मिलता है, इतने मिलते हैं। तो मैं देखकर गरीबों को ना, मैं सोचा करता था यार इतने मिले क्यों नहीं है मुझे, तो पैसे तो मेरे पास नहीं आए, काफ़ी दिन गुजर जाते थे। तो ये मतलब एक बचकाना सोच होती थी। तो अभी कुछ अर्सा पहले इंजीनियर साहब की एक वीडियो देखी, तो वहाँ से यह दिमाग में ये बात क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई, वो ये कि बात ये क्लियर हुई कि उन्होंने बताया कि लाजिम नहीं है कि आप किसी को अगर दो ना, आप 100 रुपया अगर आप सदका कर रहे हो, तो लाजिम नहीं कि उसके बदले में आपको 700 या 7000 मिले, ये लाजिम नहीं है। अल्लाह ताला उसके बदले में आपकी जो मुसीबतें दूर फरमाता है ना, वो भी आपके लिए इनाम है, वो भी समझें। अल्लाह ताला कितनी आपको मसाइब और मुश्किलात से बचाता है, अल्लाह ताला आपको कितनी बीमारियों से महफूज फरमाता है। खुदा न खास्ता अगर आपको कोई एक ऐसी बीमारी जो दुनिया में इतने सारे लोगों को होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, आपको हो जाए तो आपके करोड़ों लग सकते हैं, तो अल्लाह ताला बचाता है इंसान को। तो आप अपनी जेब से दिया करें, और उसका जो वापसी का है ना, कि भाई आप मुझे नेक्स्ट डे बस इतने मिल जाएँ, इसके इतने गुना मिल जाएँ, अल्लाह ताला के साथ में तिजारत कर रहा हूँ तो सदके के ज़रिए, तो ऐसा जहन बिल्कुल भी ना रखिएगा, देकर भूल जाएं। अल्लाह ताला इसका सिला आपको देगा, दुनिया में भी देगा और इंशाअल्लाह ताला आपको आखरत में भी देगा अल्लाह ताला। तो ये बस छोटा सा मैसेज है कि ये दिया करें, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देता है। और उसके ज़रिए जो दूसरा इंसान को फ़ायदा होता है वो है दिली इत्मीनान, इंसान को दिली सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने खुद ये तजर्बा किया हुआ है कि जब भी अगर आप थोड़ा सा भी हो ना, कोई परेशान हो, परेशान हाल हो, तो आप सदका दिया करें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमा देता है। ये ना हो कि आप खुद ही अपने सर ले रहे हों, तो ये भी नहीं है कि आप खुद एक परेशानी बोल ले रहे हों, कहें कि मैं सदका दूं और बस ये मेरे सर से उतर जाए, ऐसा नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, उनसे बचने की कोशिश करनी है और सदका खैरात करते रहना है। ये दिली इत्मीनान का ज़रिया होता है, दिली सुकून का ज़रिया होता है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए से आपकी बहुत सारी मुश्किल परेशानियाँ दूर फरमाता है। और ये भी नहीं कि अल्लाह ताला रिस्क नहीं देता, अल्लाह ताला रिस्क में भी बहुत ज़्यादा बरकत देता है, ये भी है, लेकिन अल्लाह ताला का एक अपना निज़ाम है, अल्लाह ताला अपने हिसाब से देता है। आप लोगों ने अल्लाह ताला की राह में खर्च करते रहना है। जज़ाकअल्लाहु खैरा।